बस आपको जैसे मोबाइल नंबर 10 याद करना होता है वैसे इसको याद कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आपको रटने की जरूरत है, इसको रटने की भी जरूरत नहीं है, बस इसको समझने की जरूरत है। जय हिंद दोस्तों, आज इस वीडियो में समझते हैं आभाष संख्या क्या होती है, यानी प्राइम नंबर। हर एग्जाम में पूछता है कि आभाष संख्या से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि 1 से लेके 100 तक के बीच में कितनी आभाष संख्याएं होती हैं, या 1 से लेके 50 तक के बीच में कितनी आभाष संख्याएं होती है। ये सब स्टूडेंट ने आजकल रट लिया है, ठीक है। तो अब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते, अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि 20 से लेके 70 के बीच में कितनी आभाष संख्या होगी। दोस्तों आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, हम ऐसे आपको ट्रिक्स बताएंगे, आज के बाद आपको कभी भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आभाष संख्या कैसे पहचाना जाता है या कैसे निकालेंगे। तो देखिए हम जानते हैं, पहले समझ लेते हैं आभाष संख्याएं होती क्या है। भाई आभाष संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो सिर्फ स्वयं से कटती हैं और 1 से कटती हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया, इसके आगे भी होगा। अब देखिए 1 हम नहीं लिखे हैं, 1 नहीं लिखे हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों, सबसे फंसाने वाला क्वेश्चन यही आता है, 1 ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। 1 को ना भाज्य में रखा जाता है ना अभाज्य में रखा जाता है, अगर ना भाज्य में रखा जाता है ना इसको अभाज्य में रखा जाता है। यानी अभाज्य संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, 2 से। यानी 1 से लेकर 10 के बीच में कितनी संख्याएं हम देख पा रहे हैं, 1 से लेकर 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 4। कितनी संख्याएं हैं, 4। तो इसके यहाँ यहीं से हमारा ट्रिक शुरू होता है कि कितनी संख्याएं हैं, 4। तो 4 को ऐसे लिखेंगे, ठीक। 4 देखो कितनी संख्या होती है 1 से 10 के बीच में, 4। तो फिर 4 एक बार और लिख लेंगे, 4 इसका आधा लिखेंगे, 4 4 लिख लिए, इसका आधा कितना होगा, 2 2। फिर इससे एक अंक बढ़ा के लिखेंगे, भाई 2 है तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये कितना होगा फिर, 2। ये कितना हो जाएगा, 32। इसको पलट दो फिर कितना होगा, 23। फिर कितना होगा, 2 1। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको ऐसे याद रखना, पहली लाइन में यानी 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक कितनी आभाष संख्याएं होती है, 4। तो 4 से शुरू करना, 4 4 दो बार लिखेंगे, फिर उसका आधा 2 बार लिखेंगे, 2 से 1 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, 32। कितना हो जाएगा भाई, 2 से 1 बढ़ाएंगे 3 हो जाएगा, उसके बाद 1 कम यानी 32 लिखना है। देखिए 4 4 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 32, 32 को पलट देंगे कितना, 32 को पलटेंगे कितना हो जाएगा, 23। और नीचे से 1 2, यानी पहली लाइन में 1 से लेकर 10 तक ये कितना होगा, 1 से लेकर 10 तक, कहाँ से, 1 से लेकर 10 तक, यानी 1 से लेकर 10 तक कितनी आभाष संख्या होंगी, 4। ये कितना होगा, 11 से लेकर 20 तक, एक कितना होगा, 21 से लेकर 30 तक। इसी तरह हम आगे बढ़ जाएंगे, बस हमको यही नंबर याद होना चाहिए। कि कैसे याद करेंगे, याद करने का सिंपल सा तरीका, भाई पहली संख्या में कितनी आभाष संख्या होती है, 4। तो 4 को 2 बार लिखना है, उसका आधा 2 बार लिखना, फिर 32 लिखना है, फिर 23 लिखना है, फिर नीचे से 1 2, यानी 21 भी कह सकते हो, नीचे से 2 1 2 या 2 1। समझ गए, यानी देखिए, अब देखिए सब लोग याद करते हैं 1 से 100 तक कितनी आभाष संख्याएं होती है, भाई यही तो 1 से 100 तक 100 आभाष संख्याएं हैं। तो इसमें देखिए 4 4 8 2 10 2 12 3 15 2 17 2 19 19 3 22 22 24 1 25। यानी 1 से 100 तक कितनी आभाष संख्या हो जाएंगी, 25। आजकल ये सब ने रट लिया है, 1 से 100 तक कितनी हो जाएंगी, 25। 50 तक देखते हैं, 1 2 3 4 5, यानी 5 लाइन नहीं है ना, तो 50 तो यही होगा, यानी कितना होगा, 4 4 8 2 10 2 12 3 15। यानी 1 से लेके 50 तक कितनी आभाष संख्या हो जाएंगी, 15। 1 से लेके 50 तक कितनी आभाष संख्या हो जाएंगी, 15। और 1 से लेके 100 तक कितनी हो जाएंगी, 25। लेकिन अब इस तरह से क्वेश्चन आने बंद हो गए हैं, क्योंकि ये डाटा सबने रट लिया है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे हम कह रहे हैं, क्वेश्चन हमारा 20 से लेके 70 तक, 20 से लेके 70 तक कितनी आभाष संख्याएं होंगी, 20 से लेके 70 तक। अब देखिए भाई 20 का यही तो लाइन होगा, और 70 का देखिए 20 30 40 50 60 70, यानी यहीं तक करना है, तो गिन लीजिए। देखिए 20 30 40 50 60 70, यानी यहीं तक तो पूछा है,
तो 4 2 6 2 8 3 11 11 2 13 2 15 यानी 20 से 70 तक कितनी भाग संख्या हो जाएगी 15। बस आपको जैसे मोबाइल नंबर 10 याद करना होता है वैसे इसको याद कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आपको रटने की जरूरत है, इसको रटने की भी जरूरत नहीं है, बस इसको समझने की जरूरत है। तो 20 से 70 तक कितनी हो जाएंगी 15 भाग संख्या। जैसे हम कह रहे हैं कि 40 से लेके 90 तक, कहाँ से 40 से लेके 90 तक, देखिए तो 10 20 30 40, यही 40 यहीं से शुरू होगा और 90 यहाँ तक आएगा। तो इसको जोड़ लीजिए 2 3 5 2 7 2 9 3 12 12 2 14, कितनी हो जाएंगे 14। इस तरह आप कहीं भी प्राइम नंबर से क्वेश्चन आएगा तो वहाँ से आप कर सकते हैं। आइए 2-4 क्वेश्चन इसको सॉल्व करके देखते हैं किस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है दिया है 1 से 70 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, 1 से लेके 70 तक। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम नाम कोड लिख लेंगे 4 4 2 2 3 2 2 3, और उसके बाद यहाँ 2 1, यही तो होगा कोड। पहले हम क्या बताए थे, पहले 1 से लेकर 10 तक 4 होता है तो 4 4 लिख लेना, फिर 2 2, फिर 32 32 को पलट देना 23 नीचे से 1 2, यानी कहाँ से लेना चल है 1 से 70 तक। यही तो देखिए 10 20 30 40 50 60 70, यही तो होगा, यहीं तक आपको लेना है, जोड़ दीजिए हमें पता चल जाएगा। तो 4 4 8 2 10 2 12 3 15 15 2 17 और 17 2 19, ये कितना हो जाएगा 19। आप इसको इसका आंसर कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, लेकिन आप यहाँ और दिमाग लगाएंगे तो और आसान हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं 1 से 50 तक कितनी होती है 15, 1 से 50 तक कितने हो गए 15, यानी 60 और 70 तो देखना है भाई, 1 से 50 तक कितना होता 15, यानी 60 और 70 देखना, तो 60 और 70 में कितने हो जाएंगे 2 2 4, यानी 15 4 कितने हो जाएंगे 19। यहाँ से आप और कम समय में लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 30 से 90 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, आपको बताना 30 से 90 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। फिर वही काम करना है, इसको 2-4 बार लिख लीजिए आपको याद हो जाएगा, 32 23 और 2 1, यही तो होगा। अब देखिए कह रहा 30 से 90 के बीच में, भाई 30 यही होगा ना, देखिए 30 यही होगा और 90 के बीच में, यानी ये होगा, देखिए 10 20 इधर निकल जाएगा, 30 से लेकर 90 तक यही होगा। आप जोड़ लीजिए 2 2 4 3 7 2 9 2 11 और 11 11 3 14 और 14 2 कितना होगा 16, कितना हो जाएगा 16। तो 30 से 90 तक के बीच कितने हो जाएंगे 16 अभाज्य संख्या। अगर एग्जाम में यही क्वेश्चन याद आ जाए और आपको नहीं पता रहेगा एटिक, आप 100% गारंटी है, अगर आप वहां से जोड़ के निकालेंगे हो सकता गलत भी होगा और टाइम भी बहुत लग जाएगा। इसे आप देख पा रहे हैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कम से कम 40 सेकंड पर्याप्त है। आपको ये कोड याद हो जाए फटाक से लिख लीजिए, गिन लीजिए। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। भाई आपको समझ में आ गया होगा 30 से लेके 90 के बीच कितनी अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर होंगे 16 होंगे। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 20 से 80 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब भाई 20 से लेके 80 तक तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोड लिखेंगे 4 4 2 2 32 23 2 1, यही तो होगा। अब पूछा 20 से 80 तक, भाई देखिए ये 10 वाला लाइन होगा, ये 20 यहीं से कहां तक पूछा है 80 तक, यही तो होगा, ये 90 होगा, ये 100, इसके बीच जोड़ लीजिए 4 2 6 6 2 8 8 3 11 11 2 13 और 13 5 कितना हो जाएगा 13 5 18, यानी 20 से 80 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्या हो सकती है 18। आप यहाँ थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे अगर तो इसको और आसानी से लगा सकते हैं। भाई 20 से 10 पूछा है तो हम जानते हैं 1 से 10 कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं 4 होती हैं, ये कितना है 80, यानी 90 100, लास्ट में कितना होता है 2 और 1 होता है। भाई देखिए 80 तक है, 90 और 100 को देखिए 2 1 3, यानी कितने लास्ट में कितनी अभाज्य संख्याएं बनेगी 3 और पहले में कितना बनेगा 4, तो 3 जोड़ दीजिए कितनी अभाज्य संख्या होंगे 7, और हम जानते हैं कुल कितनी 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होते हैं, 25 में से 7 घटा देंगे, देखिए 25 में से 7 घटा देंगे तब भी कितना आ जाएगा 18। तो आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। यदि टॉपिक समझ में आ गया तो कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।